viewers, welcome to my channel Lagna Gyan Foundation. मैं हूँ रोमन. अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. हम जिस सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं उसका नाम है आज द क्वेश्चन. अगर कोई मुझे ऊंची आवाज में चिल्लाता है तो मुझे जल्दी से रोना आ जाता है. सब मुझे सेंटी सेंटी करके चिल्लाते हैं, मैं क्या करूं? हेलो व्यूवर्स, आपने सुना इस बच्चे का क्वेश्चन कि कोई मुझे यदि जोर की आवाज में चिल्ला दे तो मैं एकदम से रोने लगती हूँ. सब मुझे सेंटी सेंटी करके चिल्लाते हैं, मैं क्या करूं? यदि आपका बच्चा भी यही प्रॉब्लम के थ्रू जाता है कि आप डांट दे, आप उसे कुछ कह दे थोड़ी सी भी जोर की आवाज में, बच्चा रोने लग जाए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके बच्चे का इमोशनल लेवल यानी इमोशनल क्वोशेंट काफी हाई है. और इसे हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसे फियरलेस बनाकर. सो पहला ऑप्शन ये है कि आप बच्चे, अगर से आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसे एफर्मेशन कर रहे दैट यू आर फियरलेस, यू आर योर इमोशनल इमोशनल क्वोशेंट. और सेकेंड, आप उसको उनको जब वो सोते हैं दैट टाइम यू मेक देम स्ट्रॉन्ग, कि किसी की ऊंची आवाज बोलने से आपके आपको कोई हर्ट नहीं कर रहा है. When you do so with your kids, especially when they are small, when you make them tell in form of a story, they will understand far better. And if the kids, especially if the kids are in preteens age and still they are doing so, it could be because of the hormonal changes that they are going through. Talk to them, make them feel comfortable and understand what fears are there. And if you are able to resolve them, you will see a change in your kids. If you like the video, please like, subscribe and comment. अगर से आपको कोई question पूछना है जो आपको परेशान करता है तो please comment box में हमें भेजिए. We are eager to listen to you. Thank you.